नमस्कार, मैं हूं विष्णु शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। जय हिंद। बात करेंगे कोरोना वायरस और आपकी दाढ़ी मूछों की। अगर आपके लंबी दाढ़ी है, लंबी मूछें हैं, तो आप कोरोना वायरस से प्रभावित हो सकते हैं। ये दावा किया गया है और ये दावा क्यों किया जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ट्विटर पर मैंने सर्च किया कोरोना दाढ़ी, तो ये राजेंद्र हैं और ये इन्होंने कि फेयर स्टाइल्स एंड फिल्टरिंग फेस पीस रेस्पिरेटर्स करके ये बताया है। और इसमें आप देख रहे हैं कि कैसे ये क्रॉस और टिक लगा हुआ है और ये CDC नीचे लिखा हुआ है। मैं इसकी पूरी आपको जानकारी दूंगा कौन सा संगठन है, क्या करता है। तो ये सारी चीज़ें जिससे ये मैसेज जा रहा है कि कोई तो फ़र्क पड़ता है दाढ़ी मूछों का। अब ये खबर, ये कोई मुल्ला बगैरत है, इन्होंने एक खबर शेयर की है किसी अखबार की, दाढ़ी रखते हैं या लंबी मूछें हैं तो कोरोना वायरस का खतरा ज़्यादा। बचने के लिए हिटलर के जैसी मूछें अच्छी यानी छोटी मूछें, अधिक उम्र वालों को कोरोना वायरस का खतरा ज़्यादा। ये अटलांटा से किसी हिंदी के पेपर ने लिया है, इसमें नहीं दिया गया है कौन सी एजेंसी है। यदि आप दाढ़ी या लंबी चौड़ी मूछें रखते हैं तो कोरोना वायरस की चपेट में जल्दी आ सकते हैं। इस तरह आप हिटलर की तरह छोटी मूछें रखते हैं, क्लीन शेव हैं, तो कोरोना वायरस के खतरे से बच सकते हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यही था वो CDC, ने दाढ़ी मूछ और उनसे जुड़े कोरोना वायरस के खतरे का आकलन किया है। ये उन्होंने बात कही है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जिस संस्थान की वो बात कर रहे थे यानी CDC की, अगर जो बात करेंगे हम साइट की, ये CDC की वेबसाइट है और वो इस तरह की रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इन्फोग्राफिक्स, ये उन्होंने एक पेज बना रखा है जिसमें वो जो रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने संबंधी जो प्रोटेक्शन होता है, खासतौर पर जो मास्क हम लगाते हैं, जो आपने फोटो देखा वो यहाँ पर है। इस पर नीचे लिखा हुआ है फेशियल हेयर स्टाइल्स एंड फिल्टरिंग फेस पीस रेस्पिरेटर्स 2017। तो पहले ये समझ लीजिए कि ये 3 साल पहले का एक है जिसका कोरोना वायरस से सीधा कोई मतलब नहीं है। और अगर आप इस फोटो के बारे में बात करें, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके आपके लिए यहाँ खोल लेते हैं कि इस फोटो में आप देखेंगे कि कैसे जो बाकी के चीज़ें हैं कि अगर आप क्लीन सेव हैं और आपने ये मास्क लगा रखा है तो आप क्लीन हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर और अलग अलग तरह की उन्होंने दाढ़ियों के नाम लिखे हुए हैं इंग्लिश में, हिंदी में, यानी अलग अलग तरह की। ये देखिए, ये आप अलग अलग तरह के वर्ड, जो कैप्टन अभिनंदन की मूछें थी वो इस तरह की थी। कई लोग ऐसी मूछें रखते हैं हमारे यहाँ, कई लोग लंबी दाढ़ी रखते हैं और ये इस तरह की चीज़ों में ये सब नहीं होता है। लेकिन ट्विटर पर इसको लेकर तमाम तरह की चीज़ें की बात की जा रही है और वो बात की जा रही है कि इस हिसाब से दाढ़ी वाले देशों में अब तक कोरोना का आतंक होना चाहिए था। और इसको सीधे सीधे वो मुस्लिमों से जोड़ दे रहे हैं कि सही इलाज तो चीन करता है, दाढ़ी के साथ खाल भी खींच देता है। इसके अलावा ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से गजवाए हिंद का सपना देखने वाले, साइन बाग का समर्थन करने वाले वामपंथी और चाइना में बैठे अपने भाई बंधुओं के बारे में कभी 2 शब्द बोल दिया करो। तो इस तरह से ये बातें, मुस्लिमों की दाढ़ी निकलवाई है और चीन में उनको वायरस फैलने का खतरा है, ये सारी बातें की जा रही हैं। अगर इसमें सच्चाई क्या है, वाशिंगटन पोस्ट ने थोड़ा सा इसमें जानकारी दी है कि किस तरह से वाशिंगटन पोस्ट ने बताया है कि आप देखिए ये कि जैसे जैसे ये उनकी खबर है कि मटन चॉप्स टाइप की दाढ़ी हो, ये दाढ़ियों के बेसिकली नाम है, चिन कर्टेन्स हो या एवर पॉपुलर बियर्ड, हैव टू बी शेव्ड ऑफ द फाइटर्स अगेंस्ट कोरोना वायरस इन UK। UK में इस तरह की दाढ़ियाँ हटानी है, शेव करना है, लेकिन किसको करनी है ये क्लियर है कि लीडर्स ऑफ यानी जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल साउथहैम्पटन नेशनल हेल्थ सर्विसेज फाउंडेशन ट्रस्ट, उन्होंने एक ईमेल भेजा है अपने कर्मचारियों को, जब भी आप कोरोना वायरस का इलाज कर रहे हैं तो वो कर्मचारी ऐसा मास्क लगाएं जिससे कि जो कोरोना वायरस है उससे आप प्रभावित ना हो सकें, इसलिए इनके लिए बोला गया। लेकिन ये भी साफ साफ लिखा है कि अगर आपके एम्प्लॉई जो कोई कल्चरल या रिलीजियस बिलीफ्स है यानी सिख हैं, मुस्लिम हैं, जिनको मूछ दाढ़ी रखने की ज़रूरत है, वो इसको ना यूज़ करें, तो ऐसे में उन पर ये रूल लागू नहीं होता। तो ऐसे में ये क्लियर आप मान के चलिए कि चाहे वो अखबार में छपा हो, आपने सोशल मीडिया पर देखा हो, चाहे इसे मुस्लिमों को लेकर या सिखों को लेकर बताया जा रहा हो कि दाढ़ी अगर आपके हैं या लंबी मूछ हैं तो आपको कोरोना वायरस से खतरा है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो CDC डिपार्टमेंट है अमेरिका का, ये बीमारियाँ रोकने के लिए अलग अलग टाइम पर कई सारे इन्फोग्राफिक्स बनाकर ऐसी अपील जारी करता है। वो उनके लिए होती है ज़्यादातर कि जो मेडिकल के कर्मचारी हैं, आम आदमियों के लिए भी होती है, लेकिन जो मेडिकल के कर्मचारी हैं जो कोरोना वायरस के इलाज से जुड़े हैं उनके लिए ये सावधानी है। आम आदमी को इससे कोई लेना देना नहीं है।
आम आदमी, और वो भी वैसे भी जब भी आप ये मास्क इस तरह से लगाते हो, क्योंकि वो इसलिए चाहते हैं कि जो क्लीन सेव होता है वो अगर ये मास्क लगाता है तो ज़्यादा सेफ होता है। जो बाल होते हैं वहाँ पर ये वायरस जाने की दिक्कत होती है, चांसेस रहते हैं, लेकिन क्योंकि आप कोरोना वायरस से किसी में टच में नहीं है, और ख़ासतौर पर जब आप कोरोना वायरस से पीड़ित हैं तब ये लगाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि दूसरे को ना जाए, आपको नहीं होने वाला है, उससे कोई परेशानी नहीं होने वाली है, और अगर है तो जो मेडिकल के कर्मचारी हैं उनके लिए ये एक तरह से इन्फोग्राफिक्स दोबारा भेजा गया है लोगों को, मेडिकल के कर्मचारियों को कई देशों में, ताकि वो इसको फॉलो कर सकें कि किसको इस तरह की दाढ़ी रखनी है और किस दाढ़ी पर किस तरह का मास्क ठीक रहेगा। उम्मीद है कि हमारा ये फैक्ट चेक वीडियो आपकी समझ में आया होगा। इस तरह से कोई भी सोशल मीडिया पर अगर कोई वीडियो आता है आपके पास, कोई पोस्ट आती है, तो हमें ज़रूर बताएं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको उसकी सच्चाई बताएंगे। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इंडिया न्यूज़। जय हिंद, थैंक यू, नमस्कार।